हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिटर्न फाइलिंग करना किसके लिए मैंडेटरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रिटर्न फाइलिंग पे कि किस पर्सन के लिए आपको मैंडेटरी है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन 139(1) क्या कह रहा है कि अगर आप कंपनी SSE हैं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं, अगर आप LLP हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप हैं, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आप अदर पर्सन है, अदर पर्सन से मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ अदर पर्सन से मतलब है UP, BOI, इंडिविजुअल, HUF, इन सब के लिए रिटर्न भरना तभी मैंडेटरी है जब इनकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो देखिए एक तो होगा इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जिनकी एज 60 साल से कम है, और एक वो है जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है। क्लियर? तो ऐसे पर्सन है तो इनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए की, और इनकी कितनी, 2.5 लाख रुपए की। अगर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो इनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है इंडिविजुअल के लिए। इसी तरीके सीनियर सिटीजन है, 3 लाख से ज्यादा हो जाती है और तो इनके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ बात ग्रॉस टोटल इनकम की हो रही है, याद रखना टोटल इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ग्रॉस टोटल इनकम की। क्लियर है? इसी तरीके से जिस जिस पर्सन की जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, अगर उससे क्रॉस कर जाएगा अदर देन कंपनी पार्टनरशिप ऑफ LLP, इनके लिए तो कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना, चाहे वो लॉस में हो, चाहे वो निल हो, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट हो, इनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इनके लिए रिटर्न फाइल करना तभी जरूरी है जब इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है। ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये कम निकलती है, या आपकी डिडक्शन से पहले जो 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन होती है ना, उसको घटाने से पहले जो आपकी इनकम आ रही है, चैप्टर ए की डिडक्शन घटाने से पहले, जो ना चैप्टर 6 है ना, उसकी डिडक्शन घटाने से पहले जो आपकी इनकम आ रही है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है इंडिविजुअल केस में, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आपका आउटसाइड इंडिया किसी भी असेट्स में बेनिफिशियरी क्या है, आप ओनर है किसी भी असेट्स के, या आपके पास किसी बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आप किसी भी कोई भी आपकी असेट है आउटसाइड इंडिया, तो अभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी है। कंपलसरी भरना ही भरना है। कब भरना है? आप इंडिया में रह रहे हैं और आपकी आउटसाइड इंडिया आप किसी भी असेट में ऐसा बेनिफिशियरी ओनर है, या फिर आप किसी भी आपका कोई अकाउंट है बाहर आउटसाइड इंडिया के बाहर आपका कोई अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है आप किसी भी, या आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट में जो आपका आउटसाइड इंडिया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। या बेनिफिशियरी है किसी भी असेट्स में, आप ओनरशिप राइट्स रखते हैं किसी भी असेट्स में, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी है। इसके बाद में एक सेवंथ प्रोविजो एक नया आया, 139 सेक्शन 139(1) का सेवंथ प्रोविजो आया है। ये क्या कह रहा है, यदि आप अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो इन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपी इन अ 1 या मोर करंट अकाउंट, आप एक करंट अकाउंट में या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में आप अगर 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो अपने जो कहां पर मेंटेन है, जो बैंकिंग बैंक के पास मेंटेन है, कोऑपरेटिव बैंक के पास मेंटेन है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ये सेवंथ प्रोविजो नया सेवंथ प्रोविजो आया है आपका, इसमें आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आपके मोर देन 1 अकाउंट है, तो यहाँ पर जो मोर देन 1 अकाउंट है तो आपकी एग्रीगेट टोटल कराया जाएगा आपका, सिंगल अकाउंट नहीं देखना है आपके, अगर मोर देन 1 अकाउंट है तो उसका आपका एग्रीगेट कराया जाएगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। क्लियर? हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर करा है आप बाहर अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर हिमसेल्फ या एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू ए फॉरन टूर फॉरन कंट्री, अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए तो अभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपने अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपी टूबर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी है।
इसमें से अगर कोई भी तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी आती है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करते हो, 1 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा, अगर आपका फॉरेन टूर में, फॉरेन ट्रेवल में आपका अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो जाता है, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। ये कुछ रीजन गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए हैं जिसके बेस पर आपसे कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना इन सिचुएशन में आपको जरूरी है, और अदर रीजन एज पर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड अदर रीजन जो लगेगा अगर गवर्नमेंट को, तो वो अदर रीजन भी लेके आ सकती है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम क्यों ना कम हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है अगर इनमें से कोई भी आपकी एक्टिविटी हो जाती है तो। बाकी और भी जो सर्कमस्टेंसेस है, गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उसको नोटिफाई कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है। गवर्नमेंट ने ये राइट अपने पास रख लिया है, अगर वो चाहेगी तो वो क्या कर सकती है, वो और भी अदर सर्कमस्टेंसेस को लेके आ सकती है। क्लियर? तो ये आपका पूरा वीडियो था कि इनकम टैक्स की रिटर्न किसको भरना जरूरी है और किसको नहीं। तो इसी तरीके से मैं जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पर देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।